हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओशियन ऑफ नॉलेज। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि रीजनिंग क्लासेस का है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अरेंजमेंट ऑफ इंग्लिश वर्ड। इंग्लिश वर्ड का अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में बनते हैं, ठीक है ना। और दो चार क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज क्यों नहीं एक इसका भी वीडियो देख लिया जाए, ठीक है। तो मैं आप मेरे साथ जुड़िए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक हर एक बात को ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को, ठीक है ना, और उसे समझने का प्रयास करेंगे और मैं जितने भी क्वेश्चन बनाऊँगा उसका आप लाभ उठाएँगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे क्या हमको जानना है इसमें। अरेंजमेंट ऑफ इंग्लिश वर्ड, यानी इंग्लिश वर्ड को अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे सजाते हैं, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंग्लिश के वर्ड को कैसे सजाते हैं, यानी कि आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेंज करके, ठीक है ना, इधर उधर दे दिया जाता है, ठीक है ना, वर्ड को, वर्ड के जो लेटर हैं उनको। और आपको क्या करना होता है, लेटर के अनुसार, जो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल लेटर होता है उसके अनुसार आपको क्या करना होता है, डेकोरेट करना होता है, ठीक है ना, और बताना होता है कि कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले नोट देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द कोश के अनुसार तीसरे स्थान पर आएगा, यानी कि ये चार वर्ड दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि शब्दकोश के अनुसार कौन से तीसरे स्थान पे शब्द आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे एस एच शार्प लिखा है, तो इसमें एस एच, इस वर्ड में देखेंगे इसमें भी एस एच है, तो ये इन दोनों में ये एस एच कॉमन है, ठीक है। इसमें देखते हैं केवल एस है और इसमें केवल एस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि एस, एस के बाद एच आया है, एस के बाद एच आया है, यहाँ पे एस आया है, उसके बाद ओ आया है, और यहाँ पे एस के बाद एन आया है। तो इसमें ध्यान यह देना है कि ओ से पहले एच आता है, ठीक है ना। तो ध्यान यह देंगे कि इसमें और इसमें, इसको और इसको दोनों में से कौन पहला स्थान है कौन दूसरा स्थान है यह क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे एस एच के बाद ए आया है, एस एच के बाद यहाँ पे ओ आया है, तो ए पहले आता है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए पहले आता है, तो ये पहले स्थान पर आएगा और ये दूसरे स्थान पर आएगा, ठीक है। तो तीसरे स्थान पर कौन आएगा, देखेंगे एस के बाद ओ आया है और यहाँ पे एस के बाद एन आया है, ठीक है ना। तो एम एन ओ, एन के बाद ओ आता है ना, इसका मतलब ये है कि ये तीसरे स्थान पर आना चाहिए, स्नूकर जो शब्द है ये तीसरे स्थान पे आना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, और ये चौथे स्थान पे आएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्नूकर हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका तीसरे स्थान पे आएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में देखेंगे साउंड, साउंड में एस ओ है, ठीक है, यहाँ पे एस ओ वर्ड आया है, यहाँ भी एस ओ आया है, यहाँ पे एस एच ओ आया है, ठीक है ना, और यहाँ पे भी एस एच ए आया है, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि एस के बाद ओ आया है, यहाँ पे एस के बाद ओ यहाँ भी है और यहाँ पे एस के बाद एच आया है, तो ओ बाद में आता है, अल्फाबेट में ओ बाद में आता है, उससे पहले एच आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि तीसरा और चौथा में से कोई पहले स्थान पर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे कौन सा इसमें पहले स्थान पर होगा, शार्प शब्द जो होगा वो पहले स्थान पर होगा, क्योंकि एस एच ओ है यहाँ पे, यहाँ पे एस एच ए है, तो ए पहले आता है ना, ओ से पहले ए आता है, तो यहाँ पे ये पहला स्थान पे हो जाएगा, उसके बाद ये दूसरे स्थान पे हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे तीसरे स्थान पे कौन वर्ड आएगा, तीसरे स्थान पे देखेंगे यहाँ पे एस ओ, एस ओ दोनों में कॉमन है, उसके बाद यू यहाँ पे है, यहाँ पे सी है, तो सी पहले आता है, इसका मतलब कि ये तीसरे स्थान पे आएगा। तो आपका आंसर में, आपका ऑप्शन में टू, दूसरा ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन सही ऑप्शन है, समझ में आ रहा है। ओके, स्टार्ट करते हैं, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर तीन क्या है, शब्दकोश के अनुसार सही क्रम बताना है। शब्दकोश के अनुसार अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी व्हाट इज द राइट ऑर्डर ओके ऑफ द वर्ड। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे साउंड साक साक शार्प और स्नूकर, इन शब्दों में बताना है कि इसका सही क्रम क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। ओके, सबसे पहले देखेंगे, स्टार्ट करेंगे एस ओ एस ओ एस एच ओ और एस ए यहाँ पे। ठीक है, तो देखेंगे कि एस ए सबसे पहले आएगा, एस के बाद ए सबसे पहले आएगा, एच से भी पहले आएगा। ठीक है ना, तो ये पहले स्थान पे है, यानी कि जो चौथा है वो क्या हो जाएगा, चौथा पहले स्थान पे आएगा। ठीक है ना, चौथा पहले स्थान पे होगा, ऑप्शन में चौथा जो होगा वो पहले स्थान पे होगा। तो देखेंगे ऑप्शन में एक, पहले ऑप्शन में भी चार 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 चार, सब में चार चार है। तो फिर आगे देखते हैं दूसरे स्थान पे कौन सा वर्ड आएगा। दूसरे स्थान पे देखेंगे एस ओ है, यहाँ पे एस एच ओ है और यहाँ पे एस ओ है। तो एस ओ से पहले एच आता है, तो हम क्या करेंगे, एच को लेंगे, यानी कि तीसरा जो होगा दूसरे स्थान पर आएगा। ये जो होगा ये दूसरे स्थान पे आ जाएगा, दूसरे स्थान पे, और ये जो है चौथा जो है ये पहले स्थान पे आएगा। ठीक है ना, तो ध्यान देंगे, तो चौथा और तीसरा, ऑप्शन में चौथा तीसरा है क्या, हाँ दो ऑप्शन में चौथा तीसरा है, चार और तीन दो ऑप्शन में है, यहाँ भी है यहाँ भी है, अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा वर्ड कौन सा होगा, इसमें तीसरा वर्ड देखते हैं एस ओ एस ओ, ये कॉमन है। इसके बाद देखते हैं एस एन है यहाँ पे, इसका मतलब है कि एन एम एन ओ, एन के बाद ओ आता है ना, तो स्नूकर तीसरे स्थान पे होगा। ठीक है, यानी कि जो पांचवें स्थान पे है वो तीसरे स्थान पे होना चाहिए, यहाँ पे तीसरे स्थान पे होना चाहिए पांचवा जो है वर्ड। तो देखेंगे पहला जो है चौथे स्थान, चौथा जो है पहले स्थान पर है, उसके बाद तीसरा जो है दूसरे स्थान पे है और पांचवा जो है तीसरे स्थान पे है। तो इस तरह से ऑप्शन ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे कोई क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे ही कोई क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार पहले स्थान पर आए। बताना है कि शब्दकोश के व्यवस्था के अनुसार कौन सा वर्ड पहले स्थान पर आएगा। यहाँ पे चार वर्ड मैं लिख रहा हूँ, आप चारों वर्ड को देखेंगे एक एक करके। चार वर्ड मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ओके तो ये आपका चार वर्ड हो गया। रिकॉर्ड वर्ड दिया है, पांचवा वर्ड भी दिया है, तो उसको भी लिख लेते हैं। तो ये आपका पांच वर्ड हो गया। ठीक है ना, क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताना है कि शब्दकोश के अनुसार कौन सा वर्ड पहले स्थान पे आएगा। तो देखेंगे इसमें ए बी है यहाँ पे, ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ पे भी है और ए बी यहाँ पे है। सब में ए बी कॉमन है ना, उसके बाद वाले लेटर को देखेंगे ए ए ए, यहाँ पे बी है। ठीक है ना, तो पहले स्थान पे कौन आएगा, ए ए बी ए। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि तीनों में से कोई एक पहला स्थान, ये चारों में से कोई एक पहला स्थान पे आएगा, कौन सा आएगा देखेंगे। तो ए बी ए है, ए बी ए है, ए बी ए है, ए बी ए है, ये तो सब में कॉमन है। उसके बाद देखेंगे एस है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है टी है, तो एस के बाद टी आता है ना, और इसमें देखेंगे सी है, तो यहाँ पे सी है, तो अभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी पहले आता है, एस से भी पहले आता है, तो ये पहले स्थान पे हो जाएगा, पहला स्थान पे ये हो जाएगा। दूसरे स्थान पर देखेंगे एस ए एस ए टी ए एस,
तो ध्यान देंगे कि एस पहले आता है, टी तो बाद में आता है ना, और उससे पहले यहाँ पे ए बी बी नहीं, ओके। तो दूसरे स्थान पे, दूसरे स्थान पे इसको रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या है, सी के बाद बी आया है, ठीक है, सी के बाद बी आया है, तो ये दूसरे स्थान पे होना चाहिए, ठीक है, ये दूसरे स्थान पे होना चाहिए, और ये तीसरे स्थान पे कौन आएगा, तीसरे स्थान पे देखेंगे तो ए बी ए, ए बी ए टी है, ए बी एस है और ए बी ए एस है, तो एस पहले आता है, एस के बाद यहाँ पे ई आया है, यहाँ पे एच आया है, तो ई पहले आता है, एच बाद में आता है ना, तो ये जो होगा ये तीसरे स्थान पे हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये तीसरे स्थान पे हो गया, पहला दूसरा तीसरा स्थान क्लियर हो गया। अब देखेंगे इसमें चौथे स्थान पे कौन सा आएगा, चौथे स्थान पे देखेंगे तो एस एच यहाँ पे है और यहाँ पे टी है, तो एस से पहले टी, टी से पहले एस आ जाता है ना, तो ये चौथे स्थान पे आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका पाँचवें स्थान पे। तो ऑप्शन में, ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन में ये, ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, यानी कि सबसे पहले तीसरा तीन होना चाहिए, फिर चार, चार के बाद एक, उसके बाद पाँच, और पाँच के बाद, पाँच के बाद दो, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है ना, जिस ऑप्शन में ये होगा तीन चार एक पाँच दो, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए एक एक दो और एग्जांपल देखते हैं फटाफट, इसे इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, ऑप्शन देखेंगे, चार वर्ड दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा वर्ड पहले आएगा, ठीक है, डिन, डीप, चौथा ऑप्शन है डीप, और पांचवा ऑप्शन है डॉग, ओके। तो यहाँ बताना है कि कौन सा वर्ड जो होगा वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा, ठीक है ना, तो देखेंगे डी आई इसमें सब में कॉमन है क्या, हाँ, चार ऑप्शन में डी आई कॉमन है, ठीक है ना, तो ध्यान देंगे कि इसमें से ही कोई पहले स्थान पे आना चाहिए, तो डी आई डी आई डी आई सब में कॉमन है, उसके बाद डी आई पी एम आया है, यहाँ पे डी आई जी आया है, डी आई एन आया है, डी आई पी आया है, तो इन सब में डी आई जी, जी जो होता है वह अल्फाबेटिकल में ऊपर होता है, पहले आता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नंबर दो आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फाइव है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव है ये। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ठीक है ना, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कैड, कैड बैड, तीसरा ऑप्शन कैन, चौथा ऑप्शन कैब, बताना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सबसे पहले वर्ड आएगा, ठीक है ना, तो सब में देखेंगे सी ए सी ए सी ए कॉमन है ना, तो तीन वर्ड में सी ए कॉमन है, यहाँ पे बी लिखा है, तो ध्यान देंगे कि सी से पहले तो बी आता है ना, सी से पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी आता है, ठीक है ना, तो बी वाला वर्ड जो होगा वो पहले स्थान पर आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है ना, और उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करके आएंगे,
और नंबर गेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में बस इतना ही, दैट्स ऑल।